7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां इसराइल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8,000 के करीब जान जा चुकी है। सिर्फ 5 दिनों के आंकड़े देखिए, ये ग्राफ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी जान की कीमत क्या युद्ध में कुछ भी नहीं है। 24 अक्टूबर 704 मौतें, 25 अक्टूबर 755 मौतें, 26 अक्टूबर 482 मौतें, 27 अक्टूबर 298 मौतें, 28 अक्टूबर 377 मौतें। इजरायली सेना ने गाजा में फिर शुरू किया जमीनी ऑपरेशन। हमास के कई आतंकियों को आज भी मार गिराने का दावा। गाजा पट्टी में रात भर हुई हवाई हमलों में इजरायल का हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। आतंकियों के कई ठिकाने भी तबाह। गाजा में हमले के दौरान हमास के आतंकियों ने खुद को इमारत में किया बंद। बिल्डिंग में छिपे सभी 20 आतंकियों को मार गिराने का IDF का बड़ा दावा। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने फिर किया हमला। मौके पर मौजूद News18 इंडिया के रिपोर्टर, हर तरफ फैला धुएं का गुबार। इसराइल ने हमास के एक और बड़े अधिकारी को किया गिरफ्तार। IDF ने कहा इस्माइल हानिया के डिप्टी नसेर अल दीन अल शाह की गिरफ्तारी हुई। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमले का इसराइल ने जारी किया वीडियो। हमास समर्थकों पर बोला धावा, हमले में कई ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और स्थानीय लोगों के बीच बड़ी हिंसा की चेतावनी। इसराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने हालात बिगड़ने का दावा किया। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरुल्ला बयान करेगा जारी। हसन नसरुल्ला आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श करेगा। गाजा के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा यह है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत का बड़ा बयान। इसराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को फंड रोकने की अपील की। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन पश्चिम एशिया के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस समस्या का समाधान निकालने तक शांति बनाए रखने की अपील की कोशिश करता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री को सख्त हिदायत दी है। बाइडेन ने नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सामना करने की नसीहत दी। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और गाजा के हालात पर चर्चा की। बाइडेन ने कहा कि इसराइल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सामना करना चाहिए। इसराइल पर सीरिया भी हमला कर रहा है। इसराइल की सेना ने सीरिया से इसराइल की ओर से रॉकेट दागने का दावा किया, लेकिन रॉकेट को इसराइल की सेना ने नाकाम कर दिया। रूस के दागिस्तान से इसराइल आई फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। दरअसल फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर